हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे मीठी लस्सी और ये काफ़ी टेस्टी होती है। और अक्सर होता क्या है, घर में जब भी हम लस्सी बनाते हैं तो वो झाग वाली जो मार्केट में हमें मिलती है वो नहीं बन पाती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपकी भी लस्सी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी बढ़िया झाग बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बनाया है और काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने बताया है, कोई ज़्यादा खास मेहनत नहीं है इसको बनाने में, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्रीमी, कितना बढ़िया झागदार लस्सी हमारा बना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया ये 50 ग्राम चीनी है और यहाँ पर 4 से 5 आइस क्यूब है और ये मैंने दूध लिया है। तो आपको जितना आप दही लेंगे उसका हाफ आपको दूध लेना है। तो दूध मैंने ठंडा ही लिया है और ये मैंने 600 ग्राम दही लिया है और ये दूध जो है उसका आधा है, तो मतलब 300 ग्राम दूध है। दूध कोई भी ले आप मगर ठंडा लें। तो यहाँ लेंगे हम एक मिक्सर जार, तो इसमें हम सारी चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दही डाल देते हैं और दही जो आप लेंगे तो काफ़ी बढ़िया अच्छा जमा हुआ होना चाहिए, मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डाल देते हैं और इसमें दूध डालना ज़रूरी है। तो जितना आप दही लेंगे उसका आधा आपको दूध लेना है और यहाँ हम ढक्कन बंद करेंगे। इसको हम अच्छे से 15 से 20 सेकंड तक चलाएंगे, कम से कम 2 से 3 बार ऐसे करके चलाएंगे, 15-20 सेकंड चलाएंगे फिर बंद करेंगे। 2 से 3 बार ऐसे करेंगे। और अगर आप मिक्सर जार में इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो ये आप मथनी ले सकते हैं, इससे आप बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं और मार्केट में भी ये मथनी से ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा झागदार लस्सी बन के तैयार है। तो आपने देखा कितना बढ़िया, कितना सिंपल तरीके से मैंने बनाया है और कितनी जल्दी ये बन गया है। तो मेजरमेंट का ध्यान रखना है तो आप भी बढ़िया तरीके से झागदार लस्सी बना पाएंगे। आप चाहे तो इसमें कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, कोई भी, जैसे रोज़ वाटर या फिर इलायची पाउडर, जो भी आपको पसंद हो। और अगर आपके पास दही वाली मलाई है तो आप इसके ऊपर सर्व कर सकते हैं मलाई से, या फिर ड्राई फ्रूट से आप इसको सर्व कर सकते हैं और या फिर ऐसे ही सिंपल तरीके से सर्व कीजिए। तो मैंने तो यहाँ पर ऐसे ही इसको सर्व किया है सिंपल तरीके से और मैंने यहाँ पर कोई फ्लेवर भी ऐड नहीं किया है। और देख सकते काफ़ी बढ़िया क्रीमी हमारी लस्सी बनी है, काफ़ी टेस्टी दिख रही है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, काफ़ी बढ़िया काफ़ी क्रीमी लस्सी बनेगी काफ़ी अच्छे से। तो सेम तरीके से सेम मेजरमेंट से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।